दोस्तों, पार्ट टाइम मनी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए पार्ट टाइम मनी को और बेल आइकन को प्रेस करिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको फिर से एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, नॉर्मली हम अपने मोबाइल में जैसे एक व्हाट्सएप है तो एक व्हाट्सएप चलाते हैं, एक फेसबुक आईडी से ओपन कर सकते हैं अपना अकाउंट, एक जीमेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा या दूसरा अपना कोई व्हाट्सएप अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, वो चलाना है तो वो कैसे चलाएं, इस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमारे बहुत सी जगह दो दो अकाउंट होते हैं लेकिन हम एक ही एक्सेस कर पाते हैं। तो आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप लेकर आया हूँ। इस ऐप में आप दूसरी आईडी भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप दूसरी आईडी उसी की लॉगिन कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपके फ़ोन में हो। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर चलते हैं और आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है। ये सबसे ऊपर पैरलर स्पेस नाम से एक ऐप आएगी, आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, देन ओपन करनी है। फ्रेंड्स ओपन करने पे इस तरीके का ये सरफेस ओपन होकर आएगा। मैंने ये ऑलरेडी क्लोन्स बनाए हुए हैं अपने कुछ ऐप्स के। फ्रेंड्स अब जैसे सपोज करिए मेरे को यहाँ पर कोई ऐप ऐड करनी है, मैं चलिए जीमेल ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ से ऐड ऐप पर क्लिक करूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी कुछ ऐप सेलेक्ट की हुई हैं तो मैं इनको हटा देता हूँ। और मेरे को जिस ऐप का क्लोन बनाना है, मेरे को जीमेल का क्लोन बनाना है, तो मैं जीमेल को फ्रेंड्स ये रही जीमेल, इस पर क्लिक करके आपको ऐड टू पैरेलल स्पेस करना है। फ्रेंड्स एक चीज़ का फिर से ध्यान रखिएगा, आप केवल उन्हीं ऐप के क्लोन बना सकते हैं जो ऑलरेडी आपके फ़ोन में होंगी। तो ये क्लिक करने के बाद आपको ऐड टू पैरेलल स्पेस पर जाना है। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ये जीमेल आ गई है। अब इस पर क्लिक करके मैं अपनी कोई सी भी दूसरी आईडी लॉगिन कर सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप इस पर केवल एक ही ऐप का एक क्लोन बना सकते हैं, आप एक से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हम ये जीमेल के सरफेस पर आ गए हैं और यहाँ से गो टू इट करके आप अपनी जीमेल की जो भी आईडी इसमें लॉगिन करना चाहते हैं वो लॉगिन कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी दो जीमेल आईडी चला सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई और ऐप दिखाता हूँ, यहाँ से अगर आपको कोई और ऐप डाउनलोड करनी है जिसका क्लोन बनाना है, यहाँ से आप अगर किसी और ऐप का क्लोन बनाना चाहते हैं तो आप ऐड ऐप पे करके उस ऐप का दोबारा से क्लोन बना सकते हैं। मैं यहाँ से इन आईडीज़ को हटा देता हूँ। जैसे सपोज करिए मेरे को फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाना है, तो मैं इस पर क्लिक करके ऐड टू पैरेलल स्पेस, और ये देखिए फ्लिपकार्ट का यहाँ पर एक क्लोन बन गया है। इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी दूसरी ईमेल आईडी से भी फ्लिपकार्ट चला सकता हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस पर कमेंट करिए। आपको किसी नई ट्रिक पे वीडियो बनवानी है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।